4 जून को देश के नतीजे आएंगे और ये इंडी गठबंधन जो भानुमति का कुनबा है, तरह तरह के विचारों के तरह तरह के नेताओं को मिला करके गठबंधन बनाने का प्रयास किया है, ये धाराशाही होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर जाकर खड़ी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक बैंकरप्सी की इंतहा कर दी है। उसके कारण आज देश भर में जो इनके नेताओं की बौखलाहट है वो मंचों के ऊपर और मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अपनी हार को देखते हुए 4 चरणों के चुनाव के बाद अब ये घोषणा पत्र से हट करके कुछ और घोषणाएं करने के लिए लगे हैं। जब 75% चुनाव पूरा हो गया उसके बाद नई घोषणाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज पूरी तरह से आपे से बाहर, कोई भी शब्दों के ऊपर नियंत्रण इनका नहीं रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास बताने को कुछ नहीं। सरकार ने जो झूठ बोल बोल करके और लावा पैदा किया है अब वो फूटने लगा है। अब इनकी झूठ बोलने की भी सीमा समाप्त हो चुकी है और अब वो गुस्से में बौखलाहट में किसी को भी गाली देने को तैयार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जाने का मन बना लिया और जनमानस का जो रिस्पांस मिल रहा है वो मोदी जी के प्रति अपार स्नेह, और मिले भी क्यों। आज हिमाचल प्रदेश अगर जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा अल्टरनेट है जो देश को नेतृत्व दे सकता है। सभी लोगों के ऊपर मामले चल रहे हैं, जमानत के ऊपर है, समाज के अंदर उनकी विशिष्ट और प्रतिष्ठा उस प्रकार की नहीं, और कांग्रेस के नेताओं का टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ संबंध होना, कांग्रेस के नेताओं का और पाकिस्तान परस्ती का जो लेबल लगा करके घूमना, पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति समर्थन देना, ये सारी बातें देश की जनता को ठीक से समझ आ रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांटकर वोट मांगने का एक जो योजना पूर्वक पोलराइजेशन करने की योजना है उसको भी जनता ने समझ लिया। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा सीधा ये कह दिया, 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुओं को हरा करके हमने 2022 में सत्ता प्राप्त की है। इतना अहंकार मुख्यमंत्री जी को हो गया कि उन्होंने 97% हिंदुओं को हराया। इस बार हिमाचल की जनता हिसाब करने वाली है और 1 जून को वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में वोट डालेंगे। और फिर हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के निकम्मे व्यवहार का जवाब उन वोट के माध्यम से देने वाली।